देखिए मैच जो है बड़े रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच देखिए चौथे दिन शुभमन गिल 19 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए हैं। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया के ओपनर को आउट दिया गया है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। कई पूर्व क्रिकेटर्स ने फैसले को गलत बताया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को जीत के लिए 444 रन का टारगेट मिला है। चौथे दिन के आखिरी सेशन की शुरुआत भारतीय बल्लेबाजों ने संभल कर की थी, लेकिन 18 रनों के स्कोर पर शुभमन गिल आउट हो गए, जिस पर जमकर बवाल मचा है। दरअसल शुभमन गिल जब 19 रनों के स्कोर पर थे, तभी स्कॉट बोलेंट की बाहर जाती हुई गुड लेंथ गेंद गिल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड स्लिप पर फील्डिंग कर रहे कैमरन ग्रीन के हाथों में चली गई। ऑस्ट्रेलियन टीम की अपील पर फील्ड एम्पायर ने अपील थर्ड एम्पायर को भेज दी। इसके बाद थर्ड एम्पायर ने गिल को आउट करार दिया, लेकिन रिप्ले में ऐसा दिख रहा था जैसे गेंद घास को छू गई हो। ऐसे में इस आउट पर विवाद हो गया। कई पूर्व खिलाड़ियों ने फैसले को गलत बताया। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस का कहना है कि शुभमन गिल के साथ बेईमानी हुई, उन्हें गलत आउट दिया गया। जबकि बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का कहना है कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। देखते हैं बारीकी से, बारीकी देख निर्णय देते, मुझे नहीं लगता कि इसको हम लोग कोई डिस्प्यूट इस पे खड़ा करना चाहिए। तो देखिए इसी मुद्दे पर बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने जी मीडिया से बातचीत में शुभमन कैच कंट्रोवर्सी पर कहा है कि अंपायर के फैसले का सम्मान होना चाहिए। आई थिंक व्हाट वी नीड नाउ इज अ गुड पार्टनरशिप। वी गॉट कोहली एंड रानी एट क्रीज, सो होपफुली वी गेट पुट ऑन अ गुड पार्टनरशिप एंड वी विल गेट क्लोजर टू द स्कोर। इट्स अ बिग टोटल टू क्रीज। सवाल उठ रहे शुभमन गिल के आउट होने पर, आपको पर्सनली लगता है वो आउट था नॉट आउट था? डिबेट चल रही है। You have to honor the umpire's decision, the umpire's decision.